अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हम इस वक्त मक्का में मौजूद हैं, जो बिल्डिंग नंबर हमारा 293 है। यहाँ पर तमाम हाजी इस बिल्डिंग के मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हाजियों से कि अपनी समस्या यहाँ पर बताएं और बहुत कम वक्त के अंदर। जी हाजी साहब बताइए। सब मेसी सब ख़राब पड़े हुए हैं और हम आए हुए परेशान हो रहा, पानी नहीं है। सबसे पहले तो पानी की समस्या ज़्यादा है, और जिन लोगों ने भोपाल वालों ने वीडियो डाली है उनको बहुत आराम है, वो लोग आराम से ले रहे हैं। हम लोग यह बिल्डिंग बन रही थी उसको। जी हाजी साहब बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शोएब है, मैं भोपाल से हूँ। देखिए, हम लोग कंप्लेंट करने गए थे, यहाँ के जो हेड ऑफिस है, जो वहाँ पर बैठे हैं उन्होंने भी कुछ भी नहीं बोला कि मैं आपकी समस्या कर दूंगा। लेकिन 2-3 दिन हो गए, अभी तक कोई जो हमारी जो समस्या दी थी उनको वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। कमरे के अंदर जो है गैर महरम भी हमारे साथ हैं, अब 8-8 लोगों को एक साथ रख दिया गया है, और रिसेप्शन के ऊपर भी जो है हिंदी वाला जो होना चाहिए वो नहीं है, जिससे हम ठीक है। जी हाजी साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिकमतुल्लाह भोपाल से हूँ। सभी हाजियों को अलग अलग परेशानी है और हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अभी तक खादिम और हज्जाज हमको दिखे नहीं है, और रिसेप्शन के ऊपर कोई मिलता नहीं। एक अरबी साहब का भी दिखते हैं तो मसला जबान का आ जाता है, वो हमारी जबान नहीं समझते, हम उनकी जबान नहीं समझते। जी हजरत, हमारे साथ हजरत मौलाना मुफ्ती आबिद साहब हैं, तर्जुमे वाली मस्जिद के उस्ताद हदीस। मैं भी उनसे गुजारिश करूँगा कि आप बताइए हजरत। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि कमरों के अंदर जो है अफराद की तादाद ज़्यादा है, जिसमें महरम और गैर महरम के कोई तमीज़ नहीं है। चूँकि परेशानियाँ होती हैं इसलिए इसका सही इंतज़ाम नहीं है। जी हाफिज जमील साहब। भाई अभी तक जो है खादिम हुज्जाज के पते नहीं है भाई, सब जो है हाजी आए हुए हैं, सब परेशानी सब उठा रहे हैं, परेशानी ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद हुज्जाज इकराम खादिम हुज्जाज आएंगे, तो ये जल्दी। मैं बताना चाहता हूं कि इन तमाम हाजियों ने जिस दिन से हम शुरू से हम आए हैं, उस दिन से हमने जनाब आरिफ मसूद साहब को ये कंप्लेंट करवाई थी, और उनने याकूब भाई से भी बात करी थी, पर अभी तक क्या हम लोगों का कोई मसला हल नहीं हुआ है। और आप तमाम हाजियों से मेरी दरख्वास्त है कि इस बात की तायद करें कि हम लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग की सुविधा और फैसिलिटी क्या है। अगर सही नहीं है तो सब हाथ उठा के इसकी तायद करें, बताएँ। बहुत ख़राब इंतज़ाम है, हाजी लोग बता रहे हैं। तो मेरा हज कमेटी से दरख्वास्त है, मध्य प्रदेश हज कमेटी से, कि जनाब आरिफ मसूद साहब से भी मेरी गुजारिश है कि इस हम हाजियों की समस्याओं को आगे तक के पहुंचाएं और इस चीज़ से आगाह कराएं कि हाजी यहां पर किस तरीके से परेशान हाल है, और बिल्डिंग के अंदर पानी की कोई सुविधा नहीं है, और कई रूमों के अंदर एसियाँ पुरानी लगी हैं कि जिसकी वजह से गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कि जिसकी वजह से हाजी परेशान है। तो मेरा यहाँ भोपाल हज कमेटी से गुजारिश है कि इसके अंदर हमारा वालेकुम सलाम। आग लग गई, फायर यस शॉर्ट सर्किट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग शायद सो रहे होंगे, सुबह का वक्त है और हम इस वक्त मक्का में हैं, अजीजिया, और बिल्डिंग नंबर 32 आप ये देख सकते हैं, बिल्डिंग नंबर 32 है। और अभी हम लोग हरम से वापस आए और इस बिल्डिंग में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। और आप देखिए यहाँ पर हाजी साहिबान लोगों की क्या कंडीशन है, ये सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो ये हालात है यहाँ पर। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके की सुविधा गवर्नमेंट ने दिया यहाँ पर। आए दिन गवर्नमेंट की तरफ से वीडियो डाला जा रहा है अलग अलग औरतों का कि हम यहाँ बहुत अच्छे से हैं, परेशान नहीं हैं, ये चीज़ें वो चीज़ें सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हकीकत यही है, देखिए ये पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई, यहाँ पे 200-300 हाजी लोग मरने से बच गए। ये देखिए ये बिल्डिंग की पोजिशन है, ये पूरा लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है और पूरी अंदर बदबू आ रही है। ये हालात है यहाँ पर, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, ऑफिस कोई भी नहीं है, ना हज कमेटी से कोई है। मैं हज कमेटी के ब्रांच का जो ऑफिस है इनका, मैं अभी वहाँ गया था, वहाँ पर और भी हाजी लोग हैं, वो वहाँ पर भी ऑफिसर बोले हमारे अधिकारी आए नहीं हैं, वो लोग तो सो रहे हैं, लेकिन यहाँ हाजी परेशान है बेचारे। आप देख सकते हो किस तरीके से लोग परेशान हैं, देख लीजिए आप।
यहाँ सुबह का वक्त है, अभी लोग हरम से कुछ वापस आए हैं, कुछ लोग हरम को जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप क्या पोजीशन है, लोग अपनी बिल्डिंगों के बाहर बैठे हुए हैं और किस तरीके से परेशान है। और हम ये देखिए शाखा कार्यालय, ये ब्रांच ऑफिस है जहाँ पे लोग अपनी शिकायत को दर्ज करवाते हैं, ये है, मैं आपको दिखा दूँ। तो चलिए अंदर जरा देखिए, इनसे बात करते हैं और ये क्या कहते हैं। ये हालात हैं यहाँ के, देख लीजिए। ये हम ब्रांच ऑफिस में आए हुए हैं, देख लीजिए क्या हुआ। भाई आए कि नहीं आए, कौन है? नहीं, कौन है? कौन है सर? सर आप हैं? ये बिल्डिंग का क्या करेंगे? देखने चल रहा हूँ मैं आपकी। अरे भाई डेढ़ घंटे से हाजी परेशान है, आप कह रहे देखने चल रहा है, आप तो सो रहे हैं। नहीं नहीं, कौन सो रहा है? आप सो रहे हैं यहाँ बैठे। ये मैं पहले भी आपके पास आया था, कंप्लेन किया था कि इस बिल्डिंग की लिफ्ट खराब है, दो मरतबा हाजी गिर चुके हैं, एक मरतबा हाजी फंस चुका है उस बिल्डिंग उसमें लिफ्ट में। आपने कहा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं। मैंने मोहसिन रजा को ट्वीट करके बताया, वो चेयरमैन है उत्तर प्रदेश हज कमेटी का। लेकर हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ा सकते हैं आप लोगों की समस्या। नहीं बढ़ा सकते तो आप फिर क्यों यहाँ बैठे हैं? लिफ्ट को ठीक कराया। नहीं लिफ्ट को ठीक कराया, आग लग जाती मर जाते 200 हाजी तो कौन जिम्मेदार होता? नहीं आप बताइए मुझे, अभी जो है उनसे बात करते हैं। नहीं हम किससे बात करेंगे, वहाँ कोई भी नहीं है। बताइए आप, बताइए आप ना हज का में ये अधिकारी है यहाँ पे, क्या नाम है सर आपका? मेरा अली मोहम्मद नाम है। अली मोहम्मद है, किस पोस्ट पे आप यहाँ पे हैं? एचओ है। अच्छा क्या जिम्मेदारी है आपकी? मेरी जिम्मेदारी ये है कि आप लोग मेरे अंडर हैं, आप लोगों की समस्याओं को सुनना, अगर मेरे से सॉल्व नहीं होती है तो आगे उसको बढ़ाना। तो ये आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, अभी डेढ़ घंटा हो गया है। अभी कराते हैं। नहीं 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 नहीं, हज कमेटी के लोग तो औरतों की वीडियो डाल रहे हैं, हम बहुत मजे में है, यहाँ खाना बढ़िया मिल रहा है, रहने को बढ़िया, ये क्या है? वो कौन सी औरतें हैं जो अपना वीडियो बना के डाल रही हैं हज कमेटी के उस पे, बताइए आप मुझे। नहीं आप बताइए, देख लीजिए आप क्या हालात है। हम तो इससे लाख दर्जे अच्छे अपने घरों में रहते हैं। नहीं आप देख लीजिए ना, ये 4 लाख रुपया लगा करके हाजी यहाँ हज करने के लिए आया, ऐसे रोड पे बैठे हुए देख लीजिए, औरतें परेशान है, बच्चे परेशान है, किसी को वॉशरूम की जरूरत है, लोग हरम से आए हुए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं। अब देख लीजिए क्या पोजीशन है। देखिए साहब ये यहाँ के अधिकारी हैं, देखभाल करने वाले इनके जिम्मे, 32 नंबर बिल्डिंग है ये अजीजिया की। अब पहली चीज तो यहाँ पे कोई हिंदी बोलने वाला आदमी नहीं है, तीन के तीनों है, तीनों हिंदी समझते नहीं। कहाँ है ऑनर? कहाँ है बिल्डिंग का ऑनर? किधर है बिल्डिंग का ऑनर? किधर है? बुलाओ उसको। मतलब 2 घंटे लगते हैं किसी को आने में। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको आप शेयर करिए, लाइक और कमेंट ना करिए, आप शेयर करिए, बताइए इंडिया में लोगों को मालूम पड़े कि हज कमेटी वालों का क्या दोगलापन है। यहाँ पर 4-4 लाख रुपया वसूला एक एक हाजियों से, यहाँ किस तरीके से परेशानी हो रही है। हाजी जी मैं भी आपके साथ ही परेशान हूँ मैं, देख लीजिए लोगों की समस्या मेरी समस्या है, आप सुन लीजिए। आप नीचे होकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आग लगा है तो कम से कम ऊपर वालों इन्फॉर्म तो करना चाहिए कि आप लोग अपने आप को सेव कर लीजिए। 10:00 मैंने आकर यहाँ बोला कि यहाँ पर आग लगी है, कुछ जल रहा है, किसी ने दिन भर खराब रहती है, सुन लीजिए भाई साहब। आप लोग परेशान नहीं है क्या? आप लोग परेशान है कि नहीं है? मोहसिन रजा साहब सुनिए, आप चेयरमैन हैं, आप उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन हैं, आप बड़ी बड़ी बातें वहाँ तो हज हाउस में बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर लगाए हुए हैं, यहाँ देखिए क्या हाल है हाजियों का। और आप किसी औरतों की फोटो डलवा करके लिखवा रहे हैं कि हम यहाँ बहुत अच्छे में हैं। कौन सी औरतें हैं वो, कौन सी बहुत अच्छे में, जरा बताइए किस नंबर में वो रहती हैं? हाजी जी करवा रहे हैं यहाँ देखिए कि औरतों वाला क्या औरतें बाहर ना, हम वीडियो नहीं, 2100 रियाल हमको सब्सिडी मिलती थी, इस बार सब्सिडी मिली आपको? नहीं मिली ना, पैसा पहले से ज्यादा आपने दिया कि नहीं दिया? सुविधा आपको मिल रही है कोई? यहाँ तक कि इन लोगों ने वॉशिंग मशीन तक नहीं दिया, बेडशीट भी ये लोग नहीं दे रहे हैं आपको ना, कह रहे हैं अपने हाथ से धुलो, वॉशरूम भी साफ नहीं करते हैं ना, क्या बात गलत है ये?
हाँ, मैं भी आपके साथ आपकी बिल्डिंग में हूँ। वॉशरूम साफ करते हैं ये? बताइए किस बात का 4 लाख रुपया वसूला गया इंडियन हाजियों से? स्मृति ईरानी, मोदी जी आप लोग भी सुनिए, देख लीजिए यह हाजियों की परेशानी। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश लेडीज का भी ले लो, लेडीज देख लीजिए औरतें क्या हाल में है, किस हाल में ये पूरे रोड पे पड़े रोड। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दिखाइए यहाँ पे क्या हाल है। देखिए यहाँ पर हमारी माएं बहनें बैठी हुई हैं, क्यों दिक्कत हो रही है आप लोगों को? आप देख लीजिए सड़कों पर बैठे हुए हैं हाजी, सड़कें पे बैठे हुए हैं, देख लीजिए आप, देखिए शेयर करिए आप लोग इसको, शेयर करिए और बताइए। आप लोग 32 नंबर बिल्डिंग के हैं, आप लोग परेशान हैं क्यों, क्या हुआ, क्यों यहाँ बैठे हैं, आग लग गई? आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बिल्डिंग में? बिल्डिंग में हो रही दिक्कत। ये देखिए ये 32 नंबर है, ब्रांच ऑफिस है, ये 32 नंबर है और इसका ब्रांच ऑफिस आप देख सकते हैं कितनी दूरी पर है। ये हज हाउस का ब्रांच ऑफिस है, ये महज 100 मीटर भी नहीं है, 50 मीटर की दूरी पर है। ये हज हाउस का ब्रांच ऑफिस है, ये देखिए आप, ये अब देख लिए। उसके बाद भी यहाँ पर कमरे में फ्रिज नहीं है, देखिए सुन लीजिए आप, कोई भी कमरे में फ्रिज नहीं है, एक सामान लेके आते हैं वो 2 दिन में खराब हो जाता है। इधर आ जाइए, मैं मीडिया के भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि इस बात को आप, हमारी बात को कम से कम प्राइम मिनिस्टर और स्मृति ईरानी तो कुछ मालूम होना चाहिए। देख लीजिए क्या हालात हैं, हम लोग सुबह हरम से आए हुए हैं, अभी किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को हाजत पे जाना है, लेकिन यहाँ पे हालात कैसे हैं आप देख लीजिए, देख लीजिए सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। भाई कोई मरीज है, शुगर का पेशेंट है, किसी को नाश्ता करना है, किसी को दवा खानी है, देख लीजिए। अभी हम लोग हरम से आए हैं सुबह फजर पढ़ करके, अभी यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे हालात देख लीजिए। इनको मैंने बोला रात में कि भाई यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्मेल आ रही है, इन्होंने अपने ओनर को फोन करा, बोला तो कुछ ऐसा ऐसा बात है, स्मेल आ रही है, वो बोलता है कि सुबह आके चेक करेगा, स्मेल नाक में आ रही है सुबह आके चेक करेगा। हाँ अंदर प्रॉब्लम है तो फिर कौन चेक करेगा? मैं ऐसा है ना, वो पुलिस यहाँ पे उसका नंबर है क्या, पुलिस का नंबर उसका होगा ना, जैसे हम लोगों के यहाँ 112 तो पूरे दुनिया में है ना भाई, ना 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 यूपी में 112 नहीं, 112 पूरे दुनिया का, यहाँ भी होगा कोई ना कोई नंबर। किसी ने देखा नहीं है आके, ये 32 नंबर बिल्डिंग अजीजिया की है, इसमें आग लग गई, पूरी लाइट चली गई है, कुछ भी नहीं है अंदर, हाजी लोग परेशान थे, बाहर सब लोग बैठे हुए हैं। हाँ हाँ मारिए उसको, आप लोग इसको शेयर करिए इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा। सब्सिडी भी नहीं दिए हम लोग को भाई, अरे भूखा रख लिया हम लोग। ट्रिपल लाइन बता रहे, ट्रिपल लाइन इस पे लिख के आ रहा है, ट्रिपल लाइन 911 ट्रिपल लाइन बताइए, नहीं ट्रिपल लाइन लड़के बता रहे हैं इस पे कि ट्रिपल लाइन आप मारिए, ट्रिपल लाइन पुलिस हेल्पलाइन 911 वाइफ साहब, क्या आप हिंदी जानते हैं? डू यू नो हिंदी? हमारा कवर नंबर है 6552। यहाँ लाइए, यहाँ लिया मैं बात करता हूँ, 911 लगाइए, लगाइए ना, लगाइए हेलो, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम।
अनाकल्लम मिन बिल्डिंग नंबर 32 अजीजिया अजीजिया फी है ना कतीर मुश्किल कुल हज्जाज फी बर्रा और है ना फी कहरबा मुश्किल कहरबा मुश्किल अनाफी जामिनल हिंद अनाफी हाजी सब बाहर बैठे हुए हैं अनाफी हाजी है ना फी मुश्किल अजीजिया 32 नंबर बिल्डिंग नंबर 32 सही बता रहा था जिंजाल जिंजाल जी